क्या टैप्स वैप से अप टू $100 मिल सकता है? कब तक इनका लिस्टिंग होगा एंड कहाँ कहाँ पे लिस्टिंग होगा एंड किस तरीके से विड्रॉल कर पाओगे? सारा का सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जितने बाकी के टैप टू अर्न प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हैमस्टर कॉम्बेट हो गया, पिक्सलवर्स, मीमफाई, ब्लम, मोमो AI, यस कॉइन एंड जितने भी अदर्स हैं, सभी का डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ताकि एग्जैक्टली आपको पता चले कब तक लॉन्चिंग होंगे सारे के सारे टैप टू अर्न प्रोजेक्ट्स का एंड कितना प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि नोट कॉइन का अगर बात करें तो एवरेज में नोट कॉइन ने सभी को $150 का प्रॉफिट दिया था एंड आफ्टर पंप अगर आप अपना एयरड्रॉप का वर्थ देखोगे तो अराउंड $300, $500 इवन $1000 तक हो गया था। सो नोट कॉइन के बाद कौन सा प्रोजेक्ट आपको अच्छा प्रॉफिट्स देने वाला है, इस वीडियो में आपको आइडिया मिल जाएगा। बाय द वे, मैंने ऑलरेडी बिगेस्ट टैप टू अर्न प्रोजेक्ट्स का वीडियो बना रखा है एंड सभी का लिंक भी दे रखा है। सो आई होप कि आप में से सभी लोग इन सभी टैप टू अर्न प्रोजेक्ट को फार्म कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा ईजी होता है एंड आपका कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं लगता, मनी नहीं लगता, यानी टोटली फ्री में फार्म करते हो। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपको स्टिल लिंक मिल जाएगा, स्टिल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि अभी भी टाइम है। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो आप लोग चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे। एज वेल एज आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, रिमाइंडर्स होंगे, यहीं पे देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले आप लोगों को एक पोस्ट दिखाता हूँ जो कि बिटगेट वैलेट ने किया था। अब बिटगेट वैलेट आप लोगों को पता ही होगा अगर आप क्रिप्टो में हो, तो बिटगेट एक्सचेंज का खुद का नेटिव वैलेट है। सो इन्होंने टैप टू अर्न प्रोजेक्ट को हाईलाइट किया है जिसमें से नंबर वन पे हैमस्टर है, फिर कैटीजन है, फिर तीसरे नंबर पे टैप स्वैप को रखा है, बलम है, यस कॉइन है, फिर नोट कॉइन को रखा है। तो आप क्रेज देख सकते हो किस लेवल का है टैप टू अर्न का। पहले चलता था आपका वॉक टू अर्न, फिर आया आपका प्ले टू अर्न एंड और भी बहुत सारे अर्न वाले आए हैं, बट अब जो चल रहा है टैप टू अर्न है। सो कोई भी मिस मत करो क्योंकि टोटली फ्री में आप लोग कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं टैप स्वैप का बताता हूँ। तो टैप स्वैप का पहले लॉन्चिंग होने वाला था सोलाना के ऊपर, बट इन्होंने मूव कर दिया टोन के ऊपर। सो फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ भी चुका है टोन का कि टोन के ऊपर आपका टैप स्वैप लॉन्च होने वाला है, यानी टैप स्वैप कमिंग टू टोन। एंड हम में से सभी को लगा था कि टैप स्वैप स्कैम करेगा एंड ऑब्वियस लगना भी चाहिए, बट हाँ अब पूरा क्लैरिटी हो चुका है। बाय द वे, जब नोट कॉइन का फार्मिंग हो रहा था ना, तब हमें लग रहा था कि नोट कॉइन भी स्कैम करेगा क्योंकि इन्होंने भी अपना लिस्टिंग डिले कर दिया था, क्लेमिंग डिले कर दिया था। बट पेशेंस के साथ जिसने भी वेट किया होगा उनको डेफिनेटली ह्यूज प्रॉफिट भी हुआ होगा क्योंकि नोट कॉइन सबसे बड़ा एक्सचेंज जो कि हमारा एक्सचेंज मतलब बाइनांस है उसमें लिस्ट हो गया, जो कि लिटरली किसी का भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बाइनांस में नोट कॉइन लिस्ट हो सकता है क्योंकि अभी तक टोन लिस्ट नहीं हुआ, तो नोट कॉइन का तो भाई अलग ही बात है। तो अब टैप स्वैप का अगर बात करें तो टैप स्वैप का ऑफिशियल कोलैबोरेशन बाइनांस के साथ हुआ है, बाइनांस का एफिलिएट प्रोग्राम में। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अपडेट किया था टेलीग्राम पे, तो अब इतना क्लियर है कि हमारा टैप स्वैप जो है बाइनांस पे आएगा एज वेल एज आपका कूकॉइन के ऊपर भी जो है आने वाला है। ओके, सो लिस्टिंग ऑलमोस्ट सभी एक्सचेंजेस पे होने वाला है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम नेक्स्ट लेवल होने वाला है और प्राइस भी अच्छा होगा जैसे हमारा नोट कॉइन का था। ओके, तो बात करते हैं कब तक आपका टैप स्वैप इंड होगा। सो इन्होंने ऑफिशियली बता रखा है 1 जुलाई को इनका इंड हो जाएगा। वैसे 1 जून को इंड होने वाला था बट इन्होंने डिले कर दिया, तो अब फाइनली 1 जुलाई को इंड होगा। बाकी इनका ये भी अनाउंसमेंट हो चुका है कहाँ पे लॉन्च होगा, टोन पे। एंड एक्सचेंजेस का भी भाई एक किस्म से अनाउंसमेंट हो ही गया है अनऑफिशियल, जैसे कि बाइनांस, कूकॉइन, बाइबिट एंड जितनी भी अदर एक्सचेंजेस हैं। सो अगर ओवरऑल हाइप देखें तो टैप स्वैप का अच्छा है एंड जेन्युइन यूजर्स भी है एज कम्पेयर टू हैमस्टर, क्योंकि हैमस्टर का मैक्सिमम बोट यूजर्स है। तो टैप स्वैप का देख सकते हो बोट यूजर है इधर भी बट कम है एज कम्पेयर टू हैमस्टर कॉम्बेट। तो इधर ईजिली नॉर्मल यूजर को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है जहां तक मैं मानता हूँ। ओके, तो इनका जो इंड है 1 जुलाई को है, देन आपका लिस्टिंग होगा, यानी जुलाई को ही लिस्ट होगा, 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई को लिस्टिंग हो जाना चाहिए। सो एक एक बंदे को जहाँ तक मैं मानता हूँ कि $150 to $200 तक मिलना चाहिए क्योंकि टैप स्वैप का हाइप जो है नोट कॉइन से ज़्यादा है अगर देखें तो। एंड टैप स्वैप का कोलेबोरेशन पहले से बाइनांस के साथ हो रखा है, बाकी जितने भी अदर एक्सचेंजेस हैं, तो एवरेज में ये $150 दे सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों के पास अच्छा खासा पॉइंट्स होंगे, राइट।
अभी कोई भी वैलिड करेक्ट का ऑप्शन टैप स्वैप पे नहीं आया, पहले था जो कि हमारा फैंटम था, लेकिन सोलाना के ऊपर ये तो नहीं आ रहा, तो अब फैंटम का ऑप्शन हट चुका है, तो अभी फिलहाल तो नहीं आया। ठीक है, वैलेट कनेक्ट का आएगा तो अपडेट कर दूंगा। एंड बाकी विड्रॉल का जो मतलब प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा, तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहना। अभी तो नहीं बता सकता क्योंकि अभी विड्रॉल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो विड्रॉल नेक्स्ट मंथ होगा तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कैसे विड्रॉल करना होता है। बाय द वे, नोट कॉइन का जब लिस्टिंग हुआ था तो मैंने विड्रॉल का पूरा गाइड करके आपको बताया था, तो उसी तरीके से टैप स्वैप का बताऊंगा। तो टैप स्वैप का जो प्राइस है अच्छा रहेगा, मुझे लगता है नेक्स्ट नोट कॉइन आपका टैप स्वैप है। ओके, यानी प्रॉफिट के मामले में बता रहा हूँ, तो $100 तो मिनिमम से मिनिमम हो जाना चाहिए। ओके, तो बाकी वेट करो। तो टैप स्वैप का अपडेट मैंने बता दिया, आपका टोन के ऊपर आने वाला है, एंड आपका कूकॉइन ऑफिशियली टैप स्वैप के ऊपर बात किया है। जैसे एक बार मैं सर्च करके दिखाता हूँ, आ जाएगा टैप स्वैप कूकॉइन। ओके, तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, वेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू टैप स्वैप, यानी टैप स्वैप के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, तो ऑफिशियली इधर तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ब्राउजर पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी लिस्टिंग कन्फर्म्ड है आपका बाइबिट, एमई एक्सचेंज, जितने भी अदर एक्सचेंजेस हैं। ऑफिशियल तो नहीं है, बट अनऑफिशियल अभी कन्फर्म्ड लग रहा है, तो डेफिनेटली हो जाएगा। सो आपके पास कितना पॉइंट से बताना, मुझे जहाँ तक लगता है जिसके पास भी अगर 10 मिलियन पॉइंट से ज़्यादा होंगे उनको डेफिनेटली $100 ईजिली मिल सकता है, और जिनके पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं उनको $1K भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं हैमस्टर कॉम्बैट का। तो हैमस्टर कॉम्बैट अभी सबसे ज़्यादा हाइप में है और सबसे ज़्यादा कम्युनिटी है यूट्यूब पे, इनका 23 मिलियन प्लस अभी तक कम्युनिटी हो चुका है। तो हैमस्टर का जो अपडेट है सिंपल है, टोन के ऊपर आने वाला है, एंड इनका फंडिंग का मुझे आइडिया तो नहीं है, बट इनका एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है, पर आवर जो आप माइन कर रहे हो ना वो मैटर करता है, यानी कॉइन आपका मैटर नहीं करेगा, आपका पर आवर मैटर करेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो, 1 मिलियन पर आवर आपका हो जाना चाहिए, तभी जाके आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इधर भीड़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप भीड़ से हटना चाहते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर आवर करना पड़ेगा। ओके, तो इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कम पॉइंट से आप कैसे अपना पर आवर को स्पीड अप कर सकते हो, और बाकी जितने भी डिटेल्स है जैसे कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन बैलेंस अर्न कर सकते हो, उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो हैमस्टर का भी ज़्यादा कोई खास अपडेट नहीं है, सिंपल अपडेट ये है कि इनका लिस्टिंग भी आपको बाइनांस एंड जितने बड़े एक्सचेंजेस हैं सब में देखने को मिलेगा, टोन के ऊपर आने वाला है, और आपका जुलाई में ये भी एंड होने वाला है, और जुलाई में इसका भी लिस्टिंग और विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा। बाय द वे, आई होप कि आपने ऑलरेडी वैलेट कनेक्ट कर रखा है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था ओके 2 दिन पहले हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में, तो इस वीडियो को भी देख लेना जहाँ पे कि कूकॉइन ने इनके ऊपर आर्टिकल लिखा था वो भी बताया था। ओके, तो आप देख लेना, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बना रखा है पूरा डेडिकेटेड वीडियो। सो अब मैं बात करता हूँ हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि हमारा पिक्सलवर्स। पिक्सलवर्स माना जा रहा है ये सबसे अच्छा प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि इनका खुद का गेम है एंड इनका जो टीम है ना नेक्स्ट लेवल है। ओके, तो पिक्सलवर्स के ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट अभी थोड़ा अपडेट देता हूँ। सबसे पहले फंडिंग का बात करते हैं, 5.5 मिलियन का यहाँ पे फंडिंग रेज किया है, और जितने भी बड़े लीडिंग वेंचर्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ओके, और आपका बाइबिट सॉरी बिटगेट का भी नाम आता है, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है, और एनीमो का खुद इन्वेस्टेड है इसके ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे एनीमो का नाम देख रहे हो। ओके, एंड इनका टीम यार नेक्स्ट लेवल है, यानी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पता चल जाएगा आपको, तो इसे कोई मिस मत करना। अर्ली में बताया था पिक्सल वर्स का भी, आई होप कि सब कर रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें किसके ऊपर ये लॉन्च होगा, तो ये भी आई थिंक टोन के ऊपर ही लिस्ट होना चाहिए। ओके, क्योंकि टोन का प्रोजेक्ट है तो टोन के ऊपर ही होना चाहिए। तो इनका पार्टनरशिप हुआ था बलम के साथ, अब बात करते हैं बलम का। तो बलम भी अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो कर लेना, वन ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट है गेमिंग। ओके, तो इसको भी कर लेना, इनका भी आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो बलम का भी मैं आपको लिंक ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैंने top 10 projects ऑलरेडी बता रखा है कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो सारा मैंने यहाँ पे बता रखा है, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा। इसमें आपको कैटीजन, मोमो AI, मीमफाई और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सभी का आपको डिटेल्स मिल जाएगा। सो इस वीडियो में जस्ट मैं रिमाइंडर और अपडेट दे रहा हूँ। बात करते हैं मोमो का। तो मोमो का भी जो टोकन है आपका सोलाना और टोन दोनों पे आने वाला है। ओके, तो इनका इंटीग्रेशन का जो अपडेट है वो आया था April 26, जो कि टोन ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेशन किया था, और ये जो मोमो AI है ये सोलाना का प्रोजेक्ट है, बट टोन के ऊपर आई थिंक लॉन्च होगा इनका, जहाँ तक मुझे लगता है।
सो एज ऑफ नाउ आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा कोकोनट अर्न करने का, तो इसका मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो इसका जो लिस्टिंग है आपका इसी मंथ होने वाला है, यानी जून में होने वाला है, ओके। इसका मैं जितना भी डिटेल्स होगा, अपडेट्स होगा रिगार्डिंग लिस्टिंग और रिगार्डिंग विड्रॉल, वो सारा मैं टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। बात करते हैं यस कॉइन का, जैसे नोट कॉइन था तो उसी का यहाँ पे उल्टा है यस कॉइन। तो इसका भी कोलेबोरेशन टोन के साथ हुआ है, तो ये भी अब ट्रस्टेड है, ओके, यानी फेक नहीं है। तो इसका भी लिस्टिंग वेरी सून आपका होने वाला है, जैसे कि टोन के साथ इनका कोलेबोरेशन हो चुका है, तो ये भी लिस्ट होगा बहुत जल्द। और अभी क्या है, टोन इनिशियल स्टेज पे है, तो जितना भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ना फार्म, सभी के सभी आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। जैसे नोट कॉइन दिया था, उससे कम मिल सकता है बट मिलेगा जरूर, और कोई मेहनत तो है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर रहे हो। तो बलम का भी मैंने बता दिया, बलम में सिंपल आपको गेम प्ले करना पड़ता है। सबसे पहले व्हाइट लिस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करोगे तो आप व्हाइट लिस्ट हो जाओगे, तब जाके आप इनके ऐप को एक्सेस कर सकते हो। ये नॉर्मल नहीं है, ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि पहले आपको व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप गेम प्ले करके टोकन अर्न पर कर पाओगे। और लिमिटेड टोकन मिलते हैं इनके, और डायरेक्ट टोकन मिलेगा, कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं, डायरेक्ट टोकन, ओके। तो आपको मोमो एआई का भी बता दिया, बलम का भी बता दिया। मीम फाई का बात करते हैं, ये लीनिया के ऊपर है, यानी गेमी फाई प्रोजेक्ट है और सोशल फाई है, ओके, यानी गेम फाई और सोशल फाई दोनों है, जो कि लीनिया के ऊपर है। इनका गेम भी है, इनका मेननेट भी 6 मई को लॉन्च हो चुका था, ओके। तो ये भी यार टॉप प्रोजेक्ट है, जो कि अभी इनका बोर्ड चल रहा है आपके टेलीग्राम पे, ओके। तो ये भी एक अच्छा और ह्यूज प्रॉफिट देने वाला है, मजाक नहीं कर रहा। और इनका जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है, जैसे कि ब्रेव ब्राउजर के साथ इनका पार्टनरशिप हुआ है, तो ये भी यार यूनागी एंड जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है। इनका टोकोनॉमिक्स में आप क्लियर कट देख सकते हो, 90% कम्युनिटी के लिए इन्होंने रखा है, और 5.1% लिक्विडिटी आपका होगा, और बाकी इन्वेस्टर पार्टनर सबको मिलेगा। तो 90% जो कि ह्यूज है, जो कि कम्युनिटी को मिलने वाला है, तो जितना भी टोकन्स होगा वो सारा आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है मीम फाई जो है ना, नोट कॉइन से भी ज़्यादा दे सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है, ओके, क्योंकि इनका खुद का प्रोडक्ट है, गेम है और लिनिया के ऊपर बेस्ड है, ओके। तो ये पिक्सल वर्स जो कि गेमिंग प्रोजेक्ट है, उसका टैप स्वैप, ये गेमिंग नहीं है, ये जस्ट आपका नोट कॉइन की तरह है। बट गेमिंग का बात करें तो बलम है हमारा, एंड आपका पिक्सल वर्स है, उसके बाद आपका मीम फाई है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कैटीजन है, जो कि कैटीजन का मैंने यहाँ पे नहीं बताया, वेट, कैटीजन का भी मैं दिखा देता हूँ। कैटीजन का भी लिस्टिंग आपका इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कैटीजन का, बट कैटीजन भी अच्छा देने वाला है, ओके। तो कैटीजन का मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कि आप में से मोस्टली लोग कैटीजन को भी कर रहे होंगे। तो कैटीजन ने लाइक 20 मिलियन प्लस जो है यूज़र गेन कर लिया है, और इनका गिव अवे वगैरह भी चलता है, और इन्होंने रिसेंटली एक अपडेट दिया था कि इनका एयरड्रॉप किस बेसिस पे होगा, ओके। तो इनका एयरड्रॉप टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, 42% ये एयरड्रॉप देंगे कम्युनिटी को, राइट। और इनका भी पार्टनरशिप बलम के साथ हुआ है, और जितने भी बाकी अदर बोट एयरड्रॉप्स है। तो इनका मैं ऐसे बता देता हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। बेसिकली जो आपका अर्निंग है ना, वो मैटर करेगा आपका जो लेवल है केट का लेवल, और वी केटी जो है, वी केटी जो आप अर्न कर रहे हो, जो पॉइंट्स है आपका, वो आपका एयरड्रॉप के लिए मैटर करेगा, ओके। सिर्फ वही मैटर करेगा, बट आपका लेवल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वी केटी आप अर्न कर सकते हो, राइट। तो इतना आपको क्लियर हो गया। और कैटीजन यार वन ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट है अब तक का टोन के ऊपर, ओके। तो ये कुछ मैंने आपको बोट एयरड्रॉप के अपडेट्स दिए हैं, जस्ट अपडेट्स है, ओके। और प्रॉफिट का बात करें तो $100 ईच प्रोजेक्ट से आप मिनिमम एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, और आप जितना वर्क किए उसके बेसिस पे मे भी ज़्यादा मिल सके, क्योंकि नोट कॉइन में जिसने ज़्यादा वर्क किया था, जिसके पास ज़्यादा पॉइंट्स थे, उनको $500-1000 तक का प्रॉफिट हुआ है। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप हमारे कम्युनिटी में आके किसी से भी पूछोगे तो बता देगा, ओके। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था, अपडेट्स था, बता दिया। इसलिए बताया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बिगेस्ट टैप टू अर्न प्रोजेक्ट्स का जो एयरड्रॉप है, मतलब बताया था। सो आपने इनमें से एक भी